नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। वेतन न मिलने के कारण दिल्ली में कई दिनों से नगर निगम के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे दिल्ली के लोगों को काफी समस्या हो रही है। आज हम दिखाते हैं जंगीरपुरी ए ब्लॉक की एक डिस्पेंसरी का हाल, जिसमें बच्चों व गर्भवती महिलाओं को सभी प्रकार की दवाइयाँ व इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पिछले 15 दिनों से सैलरी न मिलने के कारण इस डिस्पेंसरी के जितने भी कर्मचारी हैं धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर जब तक हमारा पूरा वेतन नहीं मिलता तब तक हम धरना जारी रखेंगे और किसी भी तरीके का इलाज इस डिस्पेंसरी में नहीं होगा। आइए आपको सुनवाते हैं मौके पर आए हुए मरीजों व स्टाफ का क्या कहना है। सनेलता एएनएम जहांगीरपुरी से, एमसीडब्ल्यू सेंटर जहांगीरपुरी ए ब्लॉक के सेंटर में सनेलता एएनएम में। आप लोग हड़ताल किए हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं टीकाकरण में, कितने समस्या खड़ी हो जा रही है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ये समस्या हो रही है। और जैसे जैसे कहते हैं कि इतनी सारी बीमारियों का जो इलाज है, जो टीकाकरण हम लोग करते हैं, वो तो बच्चों का टीकाकरण हो ही नहीं रहा है, तो बच्चे बीमार होंगे। कोरोना जैसे वायरस फैला हुआ था, इसी तरह से कोरोना से पहले तो हमारा ये इम्यूनाइजेशन का सारा काम था, जो आज हमारे इतने इतने दिन से बच्चे पेंडिंग पड़े हैं, सारे बच्चे हमारे जो है ना ड्यू होने लग रहे हैं, इनको बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो ये सब काम तो हमें ही करना है, लेकिन गवर्नमेंट को इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। हमें 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है बिल्कुल भी, अब डीए नहीं, बोनस नहीं, कुछ भी नहीं है। और हमारी जो है ये रिटायर हो जाती है, उनको कोई पैसा नहीं मिलता बिल्कुल भी, रिटायरमेंट में भी। सब कहते हैं कि हमने पेमेंट डाल दिया 3-3 महीने की, बिल्कुल नहीं डाला है। हमारा जो है चेक कर सकते हैं, बैंक का बैलेंस सारा देख सकते हैं, कापी हमारी, कोई भी हमारा जो है अमाउंट नहीं आया है अभी। ये सिर्फ हॉस्पिटल वाली जो नर्सें हैं क्या वही ज़्यादा काम करती हैं, जबकि हमारे बिना कुछ भी काम नहीं हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम निर्मल शर्मा है, मैं हेल्थ में एमसीडी ए ब्लॉक सेंटर में एलएचबी के पद पे कार्यरत हूँ, और मैं 1984 से काम करती हूँ इस डिपार्टमेंट में। कभी भी ऐसी समस्या नहीं आई, जो अब हमारे को 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। 2014 से हमें कोई भी बकाया फंड और वो एरियर और क्या होता है अपने दिवाली पर मिला, और ना हमारे को कोई भी भत्ता मिल रहा। हम बहुत परेशान हैं, और हमारे को कोरोना में सबसे आगे हमने काम किया, फ्रंट में होके टेस्टिंग में हमने काम किया, होम आइसोलेशन में हमारी लड़कियों ने काम किया, और यहाँ पेशेंटों को दवाई देने का हमने काम किया। हमारी कभी भी ओपीडी नहीं बंद हुई, और हमारे को इतना सताया जा रहा कि हमारे घर में ना आटा रह रहा, ना कोई खाने के लिए चीज़ हो रही। हमने दुनिया से मांग मांग के अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, कौन कब तक हमारे को पैसा देगा, कितने दिन हमारे को उधार मिलेगी दुकानों से। समस्या ये है कि जब भी आए हैं 2-4 बार से आ रहे हैं, 4 हफ्ता हो गया आ रही हूँ जा रही हूँ, बार बार आ रही हूँ, इनको समझ ये वेतन नहीं मिल रहा है, इसके कारण ये लोग टीके नहीं लगा रहे हैं, हड़ताल कर रखे हैं। सबसे प्रॉब्लम तो बच्चों के आ रहा है कि सबसे ज़्यादा इन लोग को परेशानी है, सर्दी का मौसम है, जब भी आए जाए तो परेशानी तो बच्चों का ही होता है। अस्पताल यहाँ लेकर आए हैं तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा हम कोई काम नहीं शुरू करेंगे। मेरा नाम लीजा सक्सेना है। लीजा जी, आप यहाँ आए हुए हैं, क्या समस्या हो रही है? समस्या यह है कि मैं 4 महीने से की प्रेग्नेंट हूँ, बार बार आ रही हूँ, यहाँ दवा नहीं मिल रही है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, इनकी भी प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड खुद एमसीडी टीचर हैं, उन्हें भी 6-5 महीने पूरे हो गए, सैलरी नहीं मिल रही है। मैं बार बार यहाँ आ रही हूँ, यहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। घर में भी ऐसी माली हालत ख़राब हो रही है कि मैं कहीं और नहीं दिखा सकती। दोनों तरफ से परेशान हूँ, घर में भी प्रॉब्लम है, यहाँ आ रही हूँ यहाँ भी प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड खुद प्रॉब्लम में है, वो बार बार जा रहे हैं सिविक सेंटर, उनका ऑफिस जो है जॉन, और वहाँ भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है सर।